Welcome back. So now we are going to start actually numericals based on the point charge, जिसका derivation हमने किया था, उसके ऊपर हम अभी numericals solve करेंगे। तो काफी easy numericals रहेंगे, formula based रहेंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर कुछ एक अच्छा एक दो समय से रहेंगे जिसमें आपको सोचना पड़ेगा। Rest all it is going to be very easy। थोड़ा concept को ना revive कर लेते हैं, थोड़ा concept को उठा लेते हैं। देखो, एक charge है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। There's one charge which produces electric field. There's one charge वो produces electric field. तो सब ऐसे electric field बना दिया, ठीक है? और इस किसी point P पे at a distance r मुझे electric field find करने। What I want to find electric field at point P, बराबर है? तो sorry, electric potential at point P. Electric field तो पता है, electric potential find करना है। तो formula electric constant है। जो चार्ज फील्ड बनाता है वो आएगा अपॉन द डिस्टेंस। तो ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है। और पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर किसी एक चार्ज को मैं इंफिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आऊं, इंफिनिटी से जो चार्ज मैं लेके आऊंगा एट दैट पॉइंट बी विल गिव मी पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। सो पोटेंशियल के दो फॉर्मूले, एक पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला और एक डेफिनेशन। What is electric potential? It is a work done in bringing a charge from infinity to point P. ठीक है? तो एक है जो फील्ड में आता है, एक चार्ज जो इंफिनिटी से फील्ड में आता है, वो यहाँ पे है इस फॉर्मूला में। और एक वो चार्ज है जो फील्ड बनाता है, वो इस फॉर्मूला में। ठीक है? तो when I want to find electric potential at any point, when I want to find electric potential at any point due to this point charge, then formula क्या है? Electric constant into that charge जो field बनाता है upon distance। कैसे याद रखोगे? Electric constant into charge जो field बनाता है upon distance। Easy? Come on, once again, electric constant into जो field जो charge field बनाता है upon distance। और definition क्या है? एक small charge, एक unit positive charge को आप infinity से इस point पे लेके आओगे। तो जो work होगा, that is called potential। ठीक है? तो ये दोनों formula हैं। बहुत अच्छा सम है आपके सामने, आप एक सम आ रहा है देख लो, बहुत easy सम है। Okay? एक चार्ज है जिसकी वैल्यू दी हुई है 4×10⁻⁷ कूलम। ऑलरेडी कूलम में टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो एक चार्ज है जिसकी वैल्यू दी हुई प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। और पॉइंट पी दैट इज एट अ डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर, उससे 9 सेंटीमीटर एक पॉइंट पी है, वहां पे कितना पोटेंशियल बनता है वो फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या बनाओगे बताओ? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? 1/4πε₀, पहले इलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखेंगे, फिर जो चार्ज फील्ड बनाता है अपॉन डिस्टेंस। तो ये 9×10⁹, ये तो लर्न हो गया रहेगा अभी तक। चार्ज की वैल्यू ऑलरेडी कूलम में दी है 4×10⁻¹, r 9 सेंटीमीटर है। दिल दुखना चाहिए भाई, डायरेक्ट सेंटीमीटर में मत डालो, गलतियां मत करो, ये मीटर में कन्वर्ट कर दो। 10⁻², से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9×10⁻², से मल्टीप्लाई किया 9 कैंसिल हो गया और ये आ गया 4×10⁴ वोल्ट। फिर दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा उसमें कि व्हाट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ, ये चार्ज आ रहा है अभी, ये जो चार्ज आ रहा है ओके फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो वर्क डन का फार्मूला क्या है? q×v, जो चार्ज आता है दैट इज q×v, जहां का पोटेंशियल q का वैल्यू कितना है 2×10⁻¹, और पोटेंशियल कितना है 4×10⁴। तो 4×2 = 8×10⁻¹ कितना हो गया, ये −9 + 4 is going to be −5 and that is in joule। Is it clear? और वो बोल रहा है कि क्या ये जो चार्ज हम लेके आ रहे हैं इंफिनिटी से पॉइंट पी पे, does it depend on path? तो हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया, हमने बोला कि नहीं, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि फोर्स कंजर्वेटिव है, तो वो पाथ पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता। कौन से भी पाथ से लेके जाओ वो वर्क उतना ही करने वाला है। इज इट क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड। बहुत सिंपल सम है, बहुत सिंपल सम, कुछ नहीं था सम, ठीक है? हाँ, इसके आगे का एक टेक्स्ट बुक का सम है, बहुत मजेदार सम है, वो अपन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे आप उसको टैकल करते हो। पहले काम करो, यू ट्राई टू सॉल्व इट एंड वंस यू गेट आंसर फिर चेक करो मेरे साथ कि आपको वो सम आया कि नहीं आया। बहुत अच्छा सम, बहुत बढ़िया सम है। स्टार्ट सॉल्विंग। Thank you.
Yes, my dear students. I hope you got this answer. अगर आया रहेगा बहुत अच्छी बात है, नहीं आया रहेगा टेंशन लेने का नहीं. बहुत सिंपल समय, सच्ची बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल समय. दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है. ओके, वैल्यूज आपके सामने दिए थे और बोल रहे हैं उन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन पे कहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा, वेयर पोटेंशियल विल बी जीरो ऑन अ लाइन ज्वाइनिंग दैट टू पॉइंट. ओके, तो सिंपल से बता देता हूँ आपको सॉल्यूशन. बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है. दिमाग चालू करो, दिमाग चालू करो. दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है. ओके, और ये लाइन है दोनों को ज्वाइन करने वाली, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बच्चों, 16 सेंटीमीटर. तो दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन पे कहां पे पोटेंशियल जीरो है. क्वेश्चन समझा क्या पूछा, कि दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस लाइन पे एट व्हाट पॉइंट पोटेंशियल इज गोइंग टू बी जीरो. पहली बात तो पोटेंशियल जीरो होगा क्या, तो आंसर है होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल बनाएगा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव पोटेंशियल बनाएगा. मैंने पहले ही आपको ये बात बोली है कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल बनाता है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल बनाता है. तो जिस पॉइंट पे दोनों ने इक्वल एंड अपोजिट पोटेंशियल बना लिया, मतलब समझ गए, एक पॉइंट है जिसमें इसने 30 वोल्ट बनाया, इसमें -30 वोल्ट बनाया, तो वहां पे सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है कि नहीं. तो एज अ पॉइंट जहां पे इसका इसका पोटेंशियल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा एंड अपोजिट रहेगा, नो डाउट अपोजिट टू एनी वन है. तो चलो पॉइंट पी ले लेते हैं, एक्स डिस्टेंस दूर, तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, लेट पी बी द पॉइंट एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम क्यू वन वेयर पोटेंशियल इज जीरो. व्हाई पोटेंशियल जीरो, बिकॉज इसने जो पोटेंशियल बनाया वी वन और इसने जो पोटेंशियल बनाया वो इक्वल है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो V1 plus V2 is equal to 0. दोनों का addition 0 होना चाहिए. Okay? क्योंकि एक plus है. ये positive तो plus बनाएगा. ये negative है तो minus बनाएगा. ये negative potential बनाएगा ना. तो ये minus V2 लिख देता है. ठीक है? उसको उधर लेके जाओगे तो 0 हो जाएगा. तो इतना झंझट करने का जरूरत नहीं. Anything you can do. I will say कि V1 equal to V2 करो या फिर V1 plus V2 is equal to 0. Okay? ये positive potential है, ये negative potential है, क्योंकि negative charge है. तो उधर जाएगा plus हो जाएगा. तो ultimately यही मिल जाएगा. ठीक है, चलो फिर V1 का फॉर्मूला डालो, 1/4πε0 बराबर है, जो फील्ड बनाता है कौन बनाता है, Q1, वैल्यू कितनी है, 5×10⁻¹⁸ अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है x, प्लस V2 का वैल्यू कितना है, V2 का वैल्यू इज 1/4πε0 −3×10⁻¹⁸ अपॉन 16 - x is equal to 0. अब इस चीज को उधर ले गए हो तो 1/4πε0 5×10⁻¹⁸ अपॉन x is equal to, ये नेगेटिव है ना, ये जब ये नेगेटिव होता जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, 1/4πε0 3×10⁻¹⁸ अपॉन 16 - x. ठीक है, ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस 16 - x. I hope it is clear. जहाँ पे potential equal ना कोई बनाई हो सी में, अबे ये क्या answer हो गया, ये क्या answer हो गया, cross multiply कर ले, 5×16 पर जा कितना 80 -5x 3×x कितना हो जाएगा 3x, उसको उधर लेके जाओ तो 8x is equal to 80, तो x की value कितनी आएगी 10 centimeter आ गए ना answer का, तो Q1 से 10 centimeter में potential कितना हो जाएगा 0. देखो और एक केस भी बनेगा इसमें, और एक केस भी बनेगा. ओके, जैसे बीच में दोनों के पोटेंशियल जीरो हुए, वैसे उस तरफ भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इस तरफ भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा. ठीक है, अभी इस तरफ वाला अपन नहीं ढूंढेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है. तो Q2 के वो साइड में भी पोटेंशियल जीरो हो सकता है. अभी दोनों के बीच में कहां पे हुआ देख लिया. आई वांट दैट सेट आल्सो, लेट सम पी बी अनदर पॉइंट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम Q1 जहां पे पोटेंशियल जीरो है. तो ये मेरा केस 2 हो गया. ठीक है, केस 1 में मैंने क्या लिया भाई, दोनों के बीच वाले पॉइंट पे, दोनों के बीच में कहां पोटेंशियल जीरो.
अब ये आइदर साइड पे ले लेते उस साइड या फिर इस साइड, तो उस साइड पे ले लिया जहां पे पॉइंट पी ले लिया एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम q1, तो यहां का पोटेंशियल ये जो बनेगा वो v1, ये जो बनेगा v2 is equal to 0. चलो बताओ v1 का वैल्यू क्या पड़ा पर 1 upon 4 pi epsilon naught 5 into 10 raised to minus 8 इसकी वैल्यू, और ये डिस्टेंस कितना है x minus 1 upon 4 pi epsilon naught q1 की वैल्यू 3 into 10 raised to minus 8 upon डिस्टेंस कितना हो जाएगा q2 से, यहां से लेके यहां तक x है और यहां से लेके यहां तक 16 है, तो ये हो जाएगा x माइनस 16, अग्री, ये पूरा x है ये 16 है तो x माइनस 16 करोगे तो ये मिल जाएगा, तो दोनों साइड को फाइंड करते इधर दोनों के बीच में तो फाइंड कर लिया, अभी आइदर साइड फाइंड करते, तो छोटा वाला जो चार्ज है उसकी साइड पे हमेशा पॉइंट, छोटा वाला जो चार्ज है उसके अब ये 5 माइक्रो कूलम, ये 5 * 10 टू माइनस 8 है और ये 3 * 10 टू माइनस 8 है, तो ये छोटा है उसके साइड पे पॉइंट है, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, तो मुझे पता है कि दोनों के बीच में यहां से 10 सेंटीमीटर का पोटेंशियल जीरो है, अभी चेक कर दे कहां पे जीरो है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 * x दिस 5x माइनस 80 है ना, 516 का कितना हो गया 80 इज इक्वल टू 3x, इसको यहां ले जाओ तो ये 2x इज इक्वल टू 80, तो भाई x इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, यस और नो, तो यहां से 40 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल जीरो होगा, तो पोटेंशियल जीरो कहां पे होगा, दोनों के मतलब इधर से 10 सेंटीमीटर पे जीरो हो जाएगा जो कि डेफिनेटली दोनों के बीच में आने वाला है, और इधर से 40 सेंटीमीटर पे भी जीरो हो जाएगा पोटेंशियल, तो पोटेंशियल दो पॉइंट पे जीरो हो रहा है, एक 10 सेंटीमीटर पे और एक 40 सेंटीमीटर, कांसेप्ट वही है, सिर्फ पॉइंट अलग ले लिया, पहले दोनों के बीच वाला पॉइंट ले लिया, फिर दोनों के उस इसके ये साइड का पॉइंट ले लिया, ठीक है, और मुझे आंसर मिल गया, सो वेयर पोटेंशियल इज जीरो ऑन 10 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, मार्क करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में आएगा, बहुत जोश में आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, दिमाग में फिट कर दो कि किस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो हो जाता है, ओके, जहां पे दोनों चार्ज इक्वल एंड अपोजिट पोटेंशियल बनाएंगे, एक प्लस में बनाएगा एक माइनस में बनाएगा, उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आएगा, जीरो, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों, I hope you understood point charge वाले सब, ये उसका सबसे अच्छा सब, बाकी सब एकदम basic समझेंगे वो तो आराम से आप कर लोगे, ठीक है बच्चों, so description में जो दिया है वो वाले सब solve करो, practice करो, practice करना बहुत जरूरी है, और उसके बाद ही आपको next lecture देंगे, ठीक है, thank you very much my dear students.